एलाइट मोशन ओपन करना है। प्लस पर जाना है, 916 को लेना है, ब्लैक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ब्लैक ले लो। क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करो, प्लस पर जाओ, मीडिया पर जाओ, ये फोटो ऐड कर लो, फिल कॉम्बिनेशन एरिया को सिलेक्ट करो, मोमेंट ट्रांसफर पर जाना है, 3 नंबर के पास जाना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करना है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, प्लस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, एड इफेक्ट में जाना है, ऑक्सीलेट को क्लिक करना है, ये वाला स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हल्का सा करना है, वैकेंसी पर जाना है इसमें, और इसमें 0.015 कर देना है, प्लस पर जाना है, ये वाला लेना है, ऊपर 3 डॉट है ना, उसमें क्लिक करना है, फिल कॉम्बिनेशन एरिया को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पर जाना है, नीचे ब्लैक कर देना है, ऊपर में वाइट रहने दो, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं, मेरे को वाइट वाला दिखाना है, इसके लिए वाइट में क्लिक करो, ये बीच में है, इसको इसके ऊपर में क्लिक करो, नीचे कर दो, एक शैडो बन गया इसमें। तो गाइस इसमें कलर ग्रेडिंग करना है इसमें फोटो में, इसके लिए एक मैं XML फाइल दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये 3 कॉपी करना है, कॉपी लेयर पर क्लिक करना है, अब अपना वीडियो में जाना है, कॉपी पेस्ट लेयर, पेस्ट 3 लेयर है ना, उसमें क्लिक करना है, ये देखिए हो गया, इसको पूरा इधर कर देना है, अब इसमें गाना को ऐड करना है, इसके लिए प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है, ये गाना लेना है, ऊपर में क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, वीडियो को डिलीट कर देना है, इसको होल्ड रखना है, नीचे आ जाएगा, एक बीट इधर में लगाना है,
एक बीट इधर में लगाना है। आपको मैं खाली बता रहा हूँ, उसके बाद आप कॉपी करके इधर में लगा सकते हैं। तो ये पूरा सॉन्ग के साथ ये पूरा इफेक्ट ऐड करना है ना, इसके लिए इधर में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट को लिखना है, प्लस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, इसमें लिखना है फिर से ऊपर में जाना है, बॉक्स में इसको वाइट कर देना है। रोबोट टू रेगुलर पर जाना है, इसमें ये वाला फॉन्ट लेना है, ये वाला नीचे जाना है, इसको नीचे कर देना है। टैक्स पे आपको टैक्स कितना रखना है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि गाने के साइज से रखना पड़ेगा ना, तो मेरे को तो इतना तक रखना है। मैं एक बीट मार्क लगा दिया हूँ, आपको बता दिए। टैक्स पे क्लिक करना है, बॉर्डर एंड साइडों पर जाना है, इसमें जाना है, इसको एनेबल कर देना है। मोमेंट ट्रांसफर पर जाना है, एक टैक्स का शुरू में एक प्लस लगाना है और एक लास्ट में लगाना है प्लस, और एक बीच में लगाना है। तो शुरू में जाना है और आपको थोड़ा सा इधर से साइड करना है, इतना तो रखना है। उसके बाद इसमें जाना है, और इसको इधर करना है, इतना ही रख दो। तो गाइस हो गया। अब इसमें आपको कर्व लगाना है, बीच में इधर में बीच में आना है, इसमें कर्व क्लिक करना है, इसको ऊपर कर देना है, इसको भी ऊपर कर देना है, इसमें हो गया। अब इसमें भी लगाना है, इसको नीचे में रखना है, इसको भी नीचे में, देख सकते हैं ये थोड़ा सा कम हो गया, इसको ज़्यादा करना है। देख सकते
टेक्स्ट में क्लिक करो, इफेक्ट पे जाओ, एड इफेक्ट में जाओ, सर्च करना है WIP वाइप, इसमें क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग को लेना है। एंड पर जाना है, टेक्स्ट के फर्स्ट में एक प्लस लगाना है और एक लास्ट में, लास्ट के साइड में थोड़ा सा इधर में एक प्लस लगाना है। इसमें इधर में 100 रहेगा और इधर में इसको 0 कर दो। फेदर पर जाना है, इसको 5 कर दो, 5 5। और एक इफेक्ट लगाना है इसमें, इसके लिए क्लिक करो, इसमें इफेक्ट पे ऐड इफेक्ट में इसमें लिखना है फेड डी, फेड फेड इन फेड आउट, फेड यार इसमें क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक करना है। तो देख सकते हैं अब वीडियो बन गया और इफेक्ट नहीं लगाना है, बस हो गया। देखिए यूनिक लग रहा है। अब इसमें कॉपी करो, इसको पेस्ट लेयर कर दो, बस सेकंड में भी आ जाएगा ये। और इसमें अपना टैक्स लिख दो, जो भी आएगा, जो भी टैक्स है। आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।